हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आप सभी को पता ही है हमारे इस चैनल पर हर रोज जो एसएससी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाती है। जो आने वाले एसएससी एग्जाम्स की बात करें या फिर जो भी एसएससी वगैरह के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन खासकर हमारे इस हरियाणा के जो इस एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए हमारे चैनल पर फोकस किया जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारा टारगेट आपकी बार एचएसएससी पर, आपकी बार एचएसएससी पर यानी हरियाणा पुलिस हो चाहे ग्राम सचिव पटवारी सीपी वगैरह आपका कोई भी एग्जाम हो दोस्तों उसी में हम आपका आपकी बार यही लक्ष्य है कि आपकी जॉब लगवाना। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिले। और दोस्तों आज की वीडियो जो हम करेंगे उसका हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हरियाणा की संरक्षित इमारतें। दोस्तों जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे और जो पुरातत्व विभाग होता है वो कुछ इमारतों को दोस्तों अपने अंडर में ले लेता है यानी संरक्षित संरक्षण को प्रदान करता है, चाहे फिर उन पर मरम्मत कराना हो या दोस्तों उनके कुछ भी पुनरुद्धार की बात हो, वह सभी क्या है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है या जो पुरातत्व विभाग चाहे हरियाणा का हो या भारत का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दोस्तों इस तरीके से होते हैं। हर एक राज्य का अपना होता है और एक सेंटर का भी एक होता है, भारत का भी अपना एक है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों हरियाणा से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा यह रहेगा जो एचएसएससी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं भारतीय पुरातत्व विभाग की। देखिए दोस्तों क्योंकि भारतीय पुरातत्व विभाग से क्वेश्चन बढ़ता है और पूछा भी जाता है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में। क्वेश्चन ये पूछा दोस्तों किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने दोस्तों की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, जो भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला अध्यक्ष कौन था, स्थापना किसने की थी, तो अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम ने दोस्तों भारतीय पुरातत्व जो भी बात था उसकी स्थापना की थी 1861 में। भारतीय तौर पर बात की दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले अध्यक्ष या परिषद स्थापना का श्रेय जो भारतीय पुरातत्व विभाग उसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम को दोस्तों। यहाँ पर जॉन मार्शल जो थे मिलता, लेकिन दोस्तों क्या जॉन मार्शल ने इसके लिए रणनीति बनाई और इसके दूसरे अध्यक्ष के तौर पर काम किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंगम यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर ठीक रहेगा, क्योंकि पिछले जो पेपर हुए थे स्ट्रीम के जो अगस्त के स्टार्टिंग वीक में दोस्तों वहां पर कुछ बच्चों को डाउट था कि इस क्वेश्चन का आंसर सर जॉन मार्शल आया, लेकिन एचएसएससी ने फाइनल आंसर की में का जो आंसर हो अलेक्जेंडर कनिंगम माना, तो इस क्वेश्चन पर कंफ्यूज ना हो दोस्तों। आप बिल्कुल एक्यूरेट डाटा हम आपको देते हैं, जो भी ऑफिशियल आंसर की होती है हरियाणा की और जो भी एचएसएससी आंसर मान की उसको, तो ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए हरियाणा जो हरियाणा उसके बाद देखिए तो भारत का था, लेकिन अब मैं हरियाणा की बात करता हूँ। हरियाणा पुरातत्व संग्रहालय उसको क्या है, देखिए हरियाणा पुरातत्व संग्रहालय जो है पहले शिक्षा विभाग था इंद्र नाथ का, हरियाणा क्योंकि इसकी स्थापना का कोई अलग से हरियाणा में महत्व नहीं था, यह शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करता था। हरियाणा पुरातत्व विभाग क्योंकि देखिए दोस्तों आपको पता है जो एचवीएससी बोर्ड है उसकी स्थापना 1969 में चंडीगढ़ के अंदर कर दी गई, लेकिन 1981 में उसका मुख्यालय फिर क्या है भिवानी लेकर आया गया। तो जो 1969 में इसकी स्थापना जो चंडीगढ़ में था हमारा एचबीएससी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन दोस्तों, तो उसके अंतर्गत ये हमारा हरियाणा पुरातत्व विभाग आता था। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों कि जो 1972 में देखिए जब 1969 में बनने के बाद 1972 का टाइम आया, तो 1972 में जो है इसको हरियाणा का एक अलग से दर्जा दे दिया गया आता था। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों 1972 में 1972 में अलग मंत्रालय बना दिया दोस्तों, ये अलग से वो बना दिया गया। पहले शिक्षा विभाग के अंदर काम करता था, फिर अलग से इसको स्वतंत्र प्रभार का निकाय बना दिया, मंत्रालय तरीके से बना दिया, विभाग बना दिया।
ठीक है, पहले 1979 में जो शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ तो ये क्या था, जो हरियाणा जो हरियाणा पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग क्या करता दोस्तों, देखिए पुरानी से पुरानी चीजों को खोजने का असर है, कहीं पर भी कुछ भी जो पुरातत्व अवशेष वगैरह मिले वे इनके अंदर आते हैं दोस्तों, और म्यूजियम होते हैं, कैसे कर होते हैं जो आप रखे जाते हैं, तो ये दरअसल रहने करने का काम हमारा हरियाणा पुरातत्व विभाग या फिर भारतीय पुरातत्व विभाग दोस्तों करता है। हरियाणा पुरातत्व विभाग की मैंने बात 1972 में दोस्तों इस कॉलेज से विभाग बनाया गया था, पहले ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करता था। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए मंत्रालय भी है तो इस मंत्रालय की बात करता हूँ दोस्तों मैं, जो हरियाणा पुरातत्व विभाग है ये फिलहाल है अनूप धानक के पास, अनूप धानक दोस्तों जेजेपी के मंत्री हैं, मंत्रालय की मैंने आपको दोस्तों कराया दिखाया एक बार तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए ध्यान से, जेजेपी से विधायक है दोस्तों ये, जेजेपी से एमएलए है उकलाना विधानसभा सीट से, उकलाना विधानसभा सीट, विधानसभा का टॉपिक दोस्तों हमारे इस चैनल पर हो चुका है, उकलाना विधानसभा सीट से दोस्तों ये विधायक है। इनके पास है दोस्तों हरियाणा पुरातत्व विभाग, ये पुरातत्व विभाग का जो मंत्रालय है वो किसके पास है, अगर बात क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो वो हमारा रहेगा दोस्तों अनूप धानक जो जेजेपी पार्टी से मंत्री है, और मैं बात कर लेता हूँ लेकिन जेजेपी से एक बार क्वेश्चन पूछ भी लिया था, जेजेपी की स्थापना की बात करता हूँ तो 9 दिसंबर 2018 को दोस्तों इस पार्टी का गठन हुआ था जेजेपी। अभी इसका चुनाव चिन्ह दोस्तों साफ भी है, पहले इसका चुनाव निशान होता था दोस्तों चप्पल, जब इसकी स्थापना की गई थी देव तो इसका निशान था चप्पल, अभी फिर इसका निशान चुनाव चिन्ह जो निशान है वो चाबी, क्योंकि जब शुरू शुरू में दोस्तों ये पार्टी गठन हुआ था तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कब स्थापना हुई, इसका चुनाव निशान क्या है, तो देखिये जब था चप्पल जब गठन हुआ पार्टी का, लेकिन अभी फिलहाल प्रेजेंट में क्या है चाबी, ये याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला ने इस पार्टी की स्थापना की थी, दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला, इन्होंने दोस्तों इस पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, देखिए आर्कियोलॉजिकल विभाग या देखिए जो ना हमारा एक सर्वे डिपार्टमेंट होता है जिसको मैं बोलता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट, वो हमारे जो ना चाहे भारत की बात करूँ या फिर हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा की मैं बात करता हूँ तो दोस्तों हरियाणा में सर्वे करता है कि भाई कहाँ पर क्या पुरातत्व विभाग के हिसाब से मूर्तियां अवशेष वगैरह मिली या कहाँ पर पुरातत्व स्थल मिले हैं, तो उनका सर्वे करके वो रिपोर्ट या कुछ साक्ष्य अपने जो है हरियाणा पुरातत्व विभाग को देता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो ना उसने अभी तक दोस्तों ऐसे 23 इमारतों को सुरक्षित घोषित किया है, तो पुरातत्व विभाग ने पुरातत्व विभाग को यहाँ पर पेश किया कि ऐसी 23 इमारतों को सुरक्षित घोषित किया जाए जो पर्यटन की दृष्टि से या संरक्षण की दृष्टि से जरूरी है, तो पुरातत्व विभाग ने उनको क्या दोस्तों 23 इमारतें ऐसी हरियाणा में हरियाणा की 23 इमारतों को पुरातत्व विभाग ने हरियाणा की 23 इमारतों को दोस्तों संरक्षण दिया है, संरक्षित किया है। ये क्वेश्चन भी पूछा था सरकार के हरियाणा पुरातत्व विभाग के अंतर्गत कितनी इमारतों को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो 23 को दोस्तों। इनके बारे में हम जिले वाले परिचय भी बताएंगे कि किस जिले में कहां पर कौन सी है दोस्तों, 23 इमारतों को दोस्तों संरक्षित किया है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों देखिए ये तो किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा, ये दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहेगा यार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज रहेगी क्योंकि अगली लाइन में लिख रहा हूँ वहां पर आप कंफ्यूजन आपको हो सकती है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखिए पुरातत्व विभाग ने हरियाणा 23 इमारतों को संरक्षित किया किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो बनता है इन दोनों में कंफ्यूजन आपको ना रहे इसलिए हमने स्पेशल आपको लिखवाया आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा, जो सर्वे करवा कर जो सर्वे कर कर दोस्तों हरियाणा पुरातत्व विभाग को अपने पेश करता तब पुरातत्व विभाग जो संरक्षित इमारत घोषित करता दोस्तों। लेकिन अगला पॉइंट जो है दोस्तों देखिए हरियाणा पुरातत्व विभाग ने ना अभी तक प्रेजेंट में
जो हरियाणा पुरातत्वीय विभाग है इसने अभी तक वर्तमान तक 39 इमारतों को संरक्षित घोषित किया है। दोस्तों सुरक्षित किया गया है जिसमें 39 प्लस 5, अगर देखिए टोटल में पूछे ना, टोटल लिखेंगे दोस्तों यहां पर 44, 39 में 44, इसमें क्या रहेंगे 39 प्लस 5 रहेंगे दोस्तों, ठीक है। टोटल 44 मार्क को सुरक्षित घोषित किया है, 39 प्लस 5 रहेंगे दोस्तों। ये पांच क्या रहेंगे दोस्तों, पांच हमारे रहेंगे संग्रहालय। मैंने आपको एक संग्रहालयों की वीडियो उपलब्ध भी करवाई है दोस्तों इस चैनल पर हमारे है, तो ये पांच हमारे रहेंगे दोस्तों संग्रहालय। चाहे जैसे कुरुक्षेत्र संग्रहालय हो या फिर वैरुस्वती संग्रहालय हो, जो गुरुग्राम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, वैरुस्वती संग्रहालय कहाँ पर है गुरुग्राम में, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आर्ट एंड लिटरेचर के लिए हमारा वैरुस्वती संग्रहालय प्रसिद्ध है। तो पांच हमारे रहेंगे संग्रहालय। संग्रहालय की वीडियो अगर आपने नहीं देखे दोस्तों, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा, नहीं तो अन्यथा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उसे देख सकते हैं दोस्तों संग्रहालय की वीडियो। तो ये 34 में 44 में हमारे रहेंगे 39 प्लस 5, और ये पांच जो दोस्तों वो होंगे हमारे संग्रहालय, और 39 होंगी हमारी संरक्षित इमारत। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि इससे अच्छा डाटा, बहुत ही एक्यूरेट ऑफिशियल डाटा आपको यूट्यूब पर बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। ये वीडियो अगर आप सर्च करेंगे ना, तो यूट्यूब पर दोस्तों बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, और हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री और पोस्ट और ऑफिशियली डाटा दोस्तों आप चैलेंज भी कर सकते हैं इसे, तो हम भी प्रूफ आपको दोस्तों इसका सबूत देंगे, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहे और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों, क्योंकि आने वाला मेरे पोस्टेबल का एग्जाम बिल्कुल 10 दिन से आपके रह गए हैं, अपनी तैयारी बहुत जोरदार तरीके से करते रहे। तो दोस्तों उसके बाद अगली मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए ये हमारी कुल 44 इमारत हैं जो हरियाणा पुरातत्व विभाग ने घोषित किए हैं, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हम जिलेवार पढ़ते हैं कि किस जिले में कौन सी जो ना संरक्षित इमारत है दोस्तों, कुछ जिलों में जिन भी जिलों में संरक्षित इमारत है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे दृष्टि से पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में। तो उसके बाद हम करते हैं संरक्षित इमारत जिले वाइज, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप अगर इसको किसी का लेना है तो, और इनका अपने नोट्स तो बिल्कुल दोस्तों अपने तैयार करते रहने। अगर किसी को पीडीएफ लेनी है तो दोस्तों उसको मैं अपना नंबर यहाँ पर कमेंट में लिख दूंगा, नहीं तो यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ दोस्तों, व्हाट्सएप कर दे। पीडीएफ अगर किसी को लेनी है दोस्तों तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिस किसी को भी नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में इसके चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, अन्यथा मैं तो यही कहूंगा दोस्तों आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहे, क्योंकि पीडीएफ से बहुत ही कम बच्चों को मैंने पढ़ता लिखा है। हैंड रिटन नोट्स अगर आप देखिए एक बार लिखेंगे उसको फिर एक बार पक्की कॉपी में अच्छे तरीके से साफ से लिखेंगे, तो आपको यदि 2 बार लिखना पड़ेगा दोस्तों तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो कॉपी क्लियर हो जाएगा और याद भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हम आगे करते हैं दोस्तों, और दोस्तों यही मौका है एचएसएससी में जॉब लेने का, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी एचएसएससी डिपार्टमेंट भर्ती कर रहा है, भोपाल सिंह खुदरी ने चेयरमैन बनने के बाद बहुत ही फास्ट एक्टिव मोड में काम कर रहा है। उसके बाद हम करते हैं आप जिलेवार प्रिंसेस संरक्षित इमारतों का, जिलेवार संरक्षित इमारत। जिलेवार संरक्षित इमारत को मैं देखा दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यमुनानगर की, सबसे पहला हमारा रहेगा यमुनानगर। यमुनानगर में अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो यहां पर है चैनेटी का स्तूप है, जो संरक्षित इमारत है चैनेटी का स्तूप है।
जेनेटिक असतो ठीक आहे, ये माहिती मला कधी पाहिजे सर सिटी मार्क वाला ये जेनेटिक असतो। जेनेटिक स्तूप की बात करता हूं तो इसको हम जेनेटिक स्तूप या बोध स्तूप कह सकते हैं। तीसरी शताब्दी पूर्व इसका निर्माण हुआ था दोस्तों, जेनेटिक स्तूप या बोध स्तूप इसको हम बोल सकते हैं, जेनेटिक स्तूप या बोध स्तूप। कुछ भी इसका नाम आज कब तो इसका तीसरी शताब्दी पूर्व निर्माण होगा। पूर्व क्यों लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए बिफोर क्रिस्ट बीसी या मैं लिखता हूं तो बीसी बिफोर क्रिस्ट ईसा मसीह का जन्म दिन से जन्म से पहले दोस्तों यहां पर बीसी। तो देखिए पहला हमारा जेनेटिक स्तूप यमुनानगर जिले में है दोस्तों, ये यहां पर क्वेश्चन इसी का पूछ गया था जेनेटिक स्तूप या बोध स्तूप हरियाणा के किस जिले में है तो यमुनानगर में। तीसरी शताब्दी पूर्व इसका निर्माण हुआ था दोस्तों, तो ये हमारी एक संरक्षित इमारत है जिसको हरियाणा पुरातत्व विभाग ने संरक्षण किया दोस्तों। उसके बाद है कि शुद्ध दूसरा हमारा लिए स्थान शुद्ध, यहां से कुछ अभिलेख वगैरह मिलेगा दोस्तों शुद्ध दिखाधरी के पास है, शुद्ध ये भी यमुनानगर में पड़ता है दोस्तों हमारा। इसको क्या देखिए ये ना दयालपुर गांव है, अमदलपुर गांव के पास सामने है दोस्तों, ये शुद्ध जो है दयालपुर गांव के पास है। दयालपुर गांव के पास शुद्ध स्थान है दोस्तों। यहाँ पर क्या है समुद्रगुप्त के नाम दोस्तों, समुद्रगुप्त के कुछ अभिलेख मिले थे जैसे मैं बात करता हूँ टोपरा अभिलेख वगैरह भी दोस्तों। देखिए क्या है पहले ये है ना दोस्तों टोपरा अभिलेख जो अम्बाड़ा में पड़ता था, लेकिन अम्बाड़ा के बाद जो है यमुनानगर का गठन हुआ दोस्तों, तो उसके बाद ये स्थान यमुनानगर में चला गया है। तो शुद्ध स्थान से भी क्या है शुद्ध स्थान है पंचकूला मात दोस्तों यमुनानगर में, यहाँ से भी हम अभिलेख प्राप्त हुए थे। उसके बाद देखिए यमुनानगर का जिले में अगला बात करता हूँ कपाल मोचन, आपको देखिए मेलों में भी पता होगा कपाल मोचन का मेला भी लगता है बिलासपुर यमुनानगर में, बहुत बार प्री सेट में पूछा गया है जब मेले कराऊंगा तो दोस्तों आपको जरूर बताऊंगा सभी जिलों के। यहाँ पर क्या है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय, देखिए मैंने आपको पांच संग्रहालय बताया था उनमें से बहुत ही इंपोर्टेंट क्या है गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय। देखिए कुछ संग्रहालय की जो वीडियो कराई थी दोस्तों मैंने उसमें कुछ संग्रहालय आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो वे यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, या फिर जिले वाला परीक्षा में भी आपको मिलेंगे। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय हमारा रहेगा दोस्तों कपाल मोचन में। उसके बाद देखिए अगले जिले की बात करता हूँ, अगला जिला हमारा पंचकूला जिला दोस्तों, पंचकूला जिले में हम चलते हैं, पंचकूला हमारा अगला जिला रहेगा। नैनो सिटी के नाम से मशहूर हमारा पंचकूला जिला दोस्तों, पंचकूला में देखिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले भीमा देवी का मंदिर, भीमा देवी मंदिर और तात्या टीकर दरगाह। देखिए दोस्तों मंदिरों का जब जिक्र होगा तो मैं इनके बारे में विस्तृत तरीके से बताऊंगा किसने बनाया है कब बनाया किस तरीके से। यहाँ पर केवल दोस्तों हम इनके नाम याद करना है कि कौन सी इमारत कुछ सरस्वती इमारत हो सकती है, कुछ 44 इमारतें जिनमें 39 सरस्वती इमारत है दोस्तों और 5 संग्रहालय है ठीक है। देखिए भीमा देवी का मंदिर या फिर तातिया तातिया फकीर दरगाह, तातिया फकीर दरगाह, तातिया फकीर दरगाह या भीमा देवी का मंदिर दोस्तों। देखिए इनका जो ना निर्माण 8वीं से 12वीं सदी के मध्य इन दोनों का निर्माण हुआ था। उसके बाद अगला तीसरा जो हमारा मातृगृह दूसरा जो हमारा है वो है दोस्तों नाहनकोठी, ये भी बहुत बार पूछा गया कि नाहनकोठी किस जिले में है पंचकूला में, नाहनकोठी तो पंचकूला में भी दोस्तों हमारी ये दो सुरक्षित इमारत पंचकुला में क्या क्या देखिए भीमा देवी का मंदिर या फिर तात्या फकीर दरगाह या फिर हमारा जो नाहनकोठी, ये हमारे दोस्तों पंचकुला जिले की। उसके बाद अगला जिला मैं करता हूँ दोस्तों अम्बाड़ा, अगले जिले पर चलते हैं हम अम्बाड़ा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहे दोस्तों।
अंबाला की बात करता हूँ, लेकिन अंबाला में सबसे पहले हम कहेंगे दोस्तों ईसाई कब्रिस्तान, ईसाई कब्रिस्तान। देखिए दोस्तों क्या कि हरियाणा में जो थोड़ी बहुत संख्या है वो ईसाइयों के अंबाला में ही है, 0. कुछ% हरियाणा में ईसाइयों की संख्या है, वो कुछ भी दोस्तों जो भी है वो अंबाला में ही है। ईसाई कब्रिस्तान 1899 से 1909 के मध्य इसका निर्माण हुआ था दोस्तों, 1899 से 1902 में निर्माण, अंबाला कैंट में पड़ता है ये, जहां से अनिल विज विधायक है दोस्तों, छठी बार वो विधायक बन चुके हैं, अंबाला कैंट में है ये ईसाई कब्रिस्तान जो है ना दोस्तों। अंग्रेजों ने इसका निर्माण करवाया था 1899 से 1902 के मध्य इसका निर्माण हुआ था, और अंबाला कैंट में ये प्रकार जहां से विधायक कौन है, अंबाला कैंट जो विधानसभा की सीट है हमारे, वहां से स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्री दोस्तों अनिल विज विधायक, माफ कीजिएगा शिक्षा मंत्री नहीं स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों हमारे अनिल विज हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पंचकुला में बस माफ कीजिएगा अंबाला में बस दोस्तों एक ही था। उसके बाद मैं बात करता हूँ कुरुक्षेत्र की, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात चलती है। उसके बाद धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, गीता नगरी कुरुक्षेत्र दोस्तों, महाभारत नगरी कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र में सबसे पहले देखिए पेहोवा में बात करता हूं तो विश्वामित्र का टीला, विश्वामित्र का टीला हमारा रहेगा दोस्तों पेहोवा में, एक तरीके से एक मठ है दोस्तों ऊंचाई पर। देखिए आपको पता ही है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी था ग्राम सचिव के पेपर में, ठे पोलर कहाँ पर है, इन ठे पोलर क्या क्या है दोस्तों, ये मिट्टी के रेत के ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं तो उनको हम दोस्तों ठे पोलर बोलते हैं, ठीक है। तो विश्वामित्र का टीला हमारा पेहुआ में, मिट्टी के ऊंचे टीलों पर एक मठ जिसको बोल सकते हैं दोस्तों धार्मिक मठ, उस तरीके से हमारा रहेगा विश्वामित्र का टीला, और ये हमारा पड़ता है पेहुआ में। उसके बाद अगला मैं बात करता हूँ शिव मंदिर भी पेहुआ में, जिसको भी संरक्षण में लिया गया है, शिव मंदिर पेहुआ का, शिव मंदिर भी हमारा कहाँ पर रहेगा पेहवा के अंदर, इसको भी संरक्षित मार्ग घोषित किया गया है पुरातत्व विभाग द्वारा, शिव मंदिर पेहवा। उसके बाद अगला बात करता हूँ कुरुक्षेत्र के बौद्ध स्तूप, कुरुक्षेत्र के बौद्ध स्तूप हमारे रहेंगे कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के बौद्ध स्तूप ये हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर ही रहेंगे दोस्तों, तो ये भी हमारे कुरुक्षेत्र के। उसके बाद अगले जिले की बात करता हूँ मैं, अगला जिला करेंगे अंबाला, अंबाला जिले पर मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगला जिला हमारा होगा अंबाला साइंस, साइंस नगरी विद्या नगरी जिसको हम हरियाणा की बोलते हैं, तो बात कीजिए दोस्तों अंबाला का तो हम कर चुके हैं। करनाल की बात करता हूँ, सीएमसी की, की बात करेंगे हम, अंबाला आपका हो चुका है करनाल, सीएमसी की सुप्रसिद्ध तरीके से बसाया गया है, पेरिस नगरी हरियाणा की, पेरिस नगरी हरियाणा का पेरिस करनाल। तो करनाल में पुराना बादशाही पुल, पुराना बादशाही पुल आपने सुना होगा ऊंचा समाना गांव में दोस्तों, पुराना बादशाही पुल। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों ये हमारे करनाल के हैं, ये ऊंचा समाना गांव में दोस्तों 1540-45 में बना था। देखिए 1540-45 का आप जानते भी होंगे मुगलों का टाइम था, मुगल ही अपने आप को दोस्तों बादशाह बोलते थे, ठीक है। 1540 से 1545 ईस्वी में बना, ऊंचा समाना गांव में दोस्तों, ऊंचा समाना गांव में है पुराना बादशाही पुल, ठीक है। उसके बाद करनाल का अगला बात करता हूँ, करनाल में प्राचीन शिव मंदिर सावन गांव में है दोस्तों, प्राचीन शिव मंदिर
सागवन गांव में। देखिए शिव मंदिर मैंने आपको अभी पिछले बारे में बताया, शिव मंदिर पे हवा का भी है, प्राचीन शिव मंदिर है सागवन गांव में, सागवन करनाल के अंदर ही पड़ता है दोस्तों। और करनाल से एक और हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हरियाणा का पहला लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी गांव करनाल का ही है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत भारी है। लाल डोरा मुक्त प्रताप जानते हैं दोस्तों, हमारे सीएम ने शुरू की थी, यानी सभी को मालिकाना हक देना अपनी जमीन का या किसी प्लॉट वगैरह घर का उस तरीके से दोस्तों। तो सागवन गांव में हमारा प्राचीन शिव मंदिर रहेगा। उसके बाद अगला हमारा करनाल में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ये भी हमारा करनाल में रहेगा दोस्तों। हमारे भारत के संदर्भ में बात करूं तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है वो कलकत्ता वेस्ट बंगाल में भी रहेगा। हरियाणा की मैं बात करता हूँ तो ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो है ना ये हमारा करनाल में रहेगा। जब महारानी दोस्तों आप जानते हैं 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, जब ब्रिटेन की रानी महारानी एलिजाबेथ आई थी तो उस टाइम पर इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। उसके बाद ये करनाल के बाद जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं बोर्ड को क्लिक करता हूँ। करनाल के बाद हम बात करेंगे दोस्तों अपने पानीपत जिले की। पानीपत से पहले मैं बात करूंगा कि खलती को क्यों चारों इसी योग्य रूप से दान नगरी, हम इनको बोलते हैं दान की नगरी। जल्दी से जल्दी आप सिग्न सोल्ड लीजिएगा एक बार। अपनी तैयारी दोस्तों करते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द ही लड़कियों का देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चली हुई है, पीएचटी पीएम की चला हुआ माफ कीजिएगा की, और ऑनलाइन स्क्रूटनियम की दोस्तों होगी, बहुत ही जल्दी हुई बढ़ती जो ना लड़कियों को मिलने वाली है। और कुछ लड़कियां हमारे चैनल से दोस्तों बिल्कुल उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना जो तैयारी की हमारे साथ जुड़ी, और उनका दोस्तों दूसरा अटेम्प्ट उन्होंने बताया कि हमारा ये दूसरा अटेम्प्ट था दोस्तों। और उनके दोस्तों जहां तक हमारा सिलेबस हुआ था वहां से जितने भी क्वेश्चन आए उनके बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने कम्प्लीट किए, और उनके हर रोज मैसेज आते हैं कि सर आज हमारा पीएचडी हुआ, आज हमारा पीएमटी होगा। जैसे ही जो हमारा दोस्तों उनको अगर वर्दी मिलती है तो हम तो चाहेंगे यही कि उनका फाइनलिस्ट में जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो। आप सभी के सामने दोस्तों हम लाइव इंटरव्यू लेकर आएंगे। तो आप भी ज्यादा से ज्यादा चैनल को और वीडियो को शेयर करें दोस्तों, अपने सभी दोस्तों को जोड़े। चलिए देखिए अब बात करते हैं हम करनाल तक हमारा हो गया, उसके बाद बात करते हैं कैथल जिले की दोस्तों, कभी स्थल की नगरी हनुमान नगरी कैथल की बात करते हैं दोस्तों हम। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया कि हनुमान जी की जन्म स्थली मानी जाती है, तो कभी स्थल कैथल में हनुमान जी की दोस्तों जन्म स्थल माना जाता है। कैथल की बात करता हूँ दोस्तों मैं, कैथल में सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों, कैथल में हमारा रहेगा शेख तैयब का मकबरा। शेख तैयब का मकबरा हमारा कैथल में रहेगा दोस्तों। उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ शेख तैयब के मकबरा के बाद, अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो रहेगा कपी स्थल में है। कपी स्थल में दोस्तों हमारा शेख तैयब का मकबरा रहेगा। दूसरा इसके बाद मैं बात करता हूँ तो दूसरा हमारा कैथल में रहेगा ईंट बाहुल्य बालू का किला। देखिए बाहुली नामक सनपाई तक में भी है जहां पर अपनी जो ये ताकि परियोजना है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या ईट बाहुली गई ईटो का टीला। ठीक है भैया, आपका स्थान है दोस्तों, जैसे हर स्थान क्या है अलग अलग नाम के गाँव हो सकते हैं, बहुत सारे एक नाम की चीज हो सकती है, उस तरीके से ईट बाहुली गई बालू का टीला। ये भी हमारा कहां पर रहेगा दोस्तों, टीले टाइप में, तो ये भी हमारा रहेगा कैथल में दोस्तों। अब कैथल के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, पानीपत की हथकर का नगरी है, डूम सिटी पानीपत की बात करता हूँ दोस्तों। वनप्रस्थ पांच गांव में से एक दोस्तों, जिनको की जो ना दुर्योधन ने मांगा था दोस्तों,
पांडवों ने जो पांच गांव मांगे थे तो सुनील युधिष्ठिर से, उनमें पानीपत, एक श्रवणप्रस्थ, दोस्तों एक इंद्रप्रस्थ दिल्ली, एक हमारा दोस्तों यूपी का पश्चिमी जिला दोस्तों यहाँ पर है, गढ़ से नाम है दोस्तों उसका, मेरे को नाम एग्जैक्ट थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। पांच जिलों में दोस्तों जो पांच नगर या गांव मांगे थे, तो देखिए पानीपत की बात करता हूँ। सबसे पहले गुरुदेव बाद बिस्मिल्लाह है, गुरुदेव बाद दूसरा है दोस्तों। देखिए संग्रहालय की वीडियो मैंने कराई है, लेकिन वहां पर मैंने आपको 8 से 10 बार ऐसे संग्रहालय कराए हैं जो अलग अलग से संग्रहालय निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आप बहुत ही ध्यान से करते रहे। गुरुदेव बाद संग्रहालय के बाद कला में बात करता हूँ, तो कला यहाँ पर आएगा पानीपत संग्रहालय, बिंदौर गाँव में है ये पानीपत संग्रहालय। पानीपत संग्रहालय रहेगा दोस्तों बिंजोर गांव, पानीपत में बिंजोर गांव में, पानीपत के बिंजोर गांव में रहेगा दोस्तों पानीपत संग्रहालय, ये हमारे पानीपत के। उसके बाद में बात करता हूँ दोस्तों जींद, दूध नगर की हरियाणा का हद है। जींद की बात करता हूँ तो जींद में हमारा सबसे पहले सिद्धोवा किला, जो जिसको सरहदन के नाम से आप जानते हैं दोस्तों, जहां पर जनमेजय ने अपने पिता की शांति के लिए दोस्तों सरहदों को दमन किया था, तो सफीदों का किला बहुत ही रचनात्मक हिस्ट्री है दोस्तों। वहां पर उनकी कहानी हरियाणा हिस्ट्री में आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या हुआ था। दूसरा है किरसोला का किला, किरसोला का किला। उसके बाद अगला है दोस्तों हमारा किरसोला का किला के बाद है जयंती पुरातत्व संग्रहालय, आप जानते हैं जींद में है हमारा जयंती पुरातत्व संग्रहालय। जयंती पुरातत्व संग्रहालय ये हमारा जींद में दोस्तों। उसके बाद जींद में अगला हमारा है दोस्तों गरौंद खेड़ा, स्थल है दोस्तों ये गरौंद खेड़ा, गरौंद खेड़ा ये हमारा हड़प्पा स्थल है जो हरियाणा के जींद जिलों में है दोस्तों। हड़प्पा स्थल हमारा ये यहाँ से क्या है दोस्तों, जो ना नवनिर्मित है दोस्तों, ये हरियाणा सरकार ने 2020 में से संरक्षित करा, यानी पिछले साल इसको संरक्षित करा गरौनी खेड़ा जो है, इसको हरियाणा सरकार ने हरियाणा के पुरातत्व विभाग ने 2020 में संरक्षित किया दोस्तों। यानी कि आपसे पूछ रहे कि नवनिर्मित संरक्षित जिला, संरक्षित जिले का क्षेत्र कौन सा, आपको करौली खेड़ा या जिले में भी पूछ रहे तो जींद में, तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ से हो सकता है दोस्तों, इसे जरूर याद रहेगा। हरियाणा सरकार ने 2020 में इसे संरक्षित किया है, तो ये भी हमारे दोस्तों जींद के। उसके बाद में बात करता हूँ फतेहाबाद, इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट जिला भी आपके सामने आया है। फतेहाबाद का हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा। सबसे पहले कुणाल, कुणाल देखे दोस्तों सिंधु सभ्यता का स्थल है, कुणाल सिंधु सभ्यता का स्थल दोस्तों, यहां से अलग मिला था सिंधु सभ्यता स्थल रहेगा ये कुणाल। उसके बाद कुणाल के बाद अगला है दोस्तों हमारा बिरडाना, बिरडाना बहुत बार पूछा गया, सबसे पुराना तो स्थल है ये, सबसे पुराना स्थल यहां पर हरियाणा में बिरडाना, सिरदाना भी दोस्तों हमारा सिंधु सभ्यता स्थल रहेगा। उसके बाद अगला है हरियाणा का सबसे पुराना सिंधु सभ्यता स्थल है दोस्तों बिरडाना, फतेहाबाद जिले में। उसके बाद अकराना कोट भटकू गांव में, उसके बाद अकराना कोट है, करण कोट हमारा भटकू गांव में, यह आपका फतेहाबाद में पड़ेगा दोस्तों। पिंक नगरी हरियाणा की, पिंक नगरी, पिंक नगरी फतेहाबाद दोस्तों हरियाणा की, तो ये फतेहाबाद के। उसके बाद रोहतक का, रोहतक का भी इम्पोर्टेंट आपका रहेगा, रोहतक में एक ही है दोस्तों संग्रहालय, छोटू राम संग्रहालय, सर छोटू राम संग्रहालय 2011 में बना था दोस्तों, वही छोटू राम को दोस्तों सर की उपाधि दी गई थी 1922 में। दोस्तों इसको क्या 2011 में बनाया गया था, 2011
2011 में सुल्तान सिंह वाले को बनाया था, उसके बाद गुरुग्राम, गुरुग्राम ने भी एक ये इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा गुरुग्राम का। गुरुग्राम में हमारा रहेगा दोस्तों शीश महल रूपनगर में, शीश महल रूपनगर में रहेगा दोस्तों, फौजदार खाने बनवाने इसको दोस्तों, यहां तक दिख रहा हो ना। फौजदार खान है मनवाना, एक बच्चा तो दिमाग तक दिख रहा हो ना। फौजदार खान इसको बनवाता दोस्तों। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों हमारा, एक बार आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बोर्ड को क्लियर करता हूँ दोस्तों। कुछ ही बचे हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पसंद से लाइक करते रहे दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि ये संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है, या फिर जो भी किले वगैरह है या संग्रहालय वगैरह, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा हरियाणा पुलिस में दोस्तों। और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई हजार लाखों बच्चों से एक एक नंबर ऊपर निकालना दोस्तों आपको हरियाणा के एग्जाम्स में। उसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों भिवानी की, तो भिवानी हरियाणा की काशी, भिवानी भिवानी में हमारा रहेगा वो आलू का किला इंपोर्टेंट। लोग आलू की काफी स्थल पूछा गया है कि लोग आलू की जिले में ऐसे स्थान का नाम देकर पूछ रहे था, तो लोग आलू हमारा रहेगा भिवानी में। लोग आलू का किला 1570 में दोस्तों अर्जुन देव ने बनवाया था सिखों के पांचवे गुरु थे। 1570 में अर्जुन देव ने गुरुग्राम इसका पहले नाम होता था 12 अप्रैल 2016 को दोस्तों नूह नाम कर दिया गया, नूह। ठीक है, यहाँ पर देखिए देव राम मंदिर को सुरक्षित किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां पर हिंदू समाज के लिए बहुत ही कम इमारत मंदिर वगैरह बचे, तो उनको सुरक्षित किया गया है। क्योंकि सुरक्षित करने के बाद अगर दोस्तों आप उन पर तोड़ फोड़ वगैरह करते ना, तो वहां पर जो ना अभी आप जानते भी होंगे संपत्ति सती वसूली विधियन अधिनियम जो है ना हरियाणा सरकार ने लागू किया 2020 में, कि कोई भी अगर सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ते पाया गया, नुकसान करते पाया गया दोस्तों, तो उस संपत्ति का जितना भी नुकसान हुआ होगा वो उसी को भरना होगा। तो इसी को हम कहते हैं संपत्ति वसूली अधिनियम, ये हरियाणा सरकार ने दोस्तों 2020 में लागू किया है। ठीक है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ नूह की, तो नूह में हमारा रहेगा देहरा मंदिर, पुरानी तहसील नूह की, पुरानी तहसील, पुरानी तहसील नूह की। उसके बाद दोस्तों सूर्यमल की छतरी और टोंग कॉम्प्लेक्स, सूर्यमल की छतरी और टोंग कॉम्प्लेक्स, टोंग कॉम्प्लेक्स हरियाणा का पहला मोबाइल यानी चल न्यायालय दोस्तों मेवात में स्थापित किया गया 2007 में। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन सर चल न्यायालय मेवात 2007 मेवात इसका नाम होता था दोस्तों। उसके बाद अगर पलवल, पलवल की मैं बात करता हूँ, 2008 में बनाया गया शहर दोस्तों, माध्य जगह जिला 15 अगस्त 2008 में फरीदाबाद शेख था दोस्तों, फरीदाबाद से अलग किया गया पलवल को। पलवल में सेठ काशीराम की हवेली, शुगर सिटी को हम बोलते हैं दोस्तों, लोग तक के साथ सेठ काशीराम की हवेली। दोस्तों क्यों हवेलियां और मकबरे का टॉपिक भी मैंने आपको करवाया है इस चैनल ही पर,
दोस्तों इसी चैनल पर आपको वीडियो में मिलेगा प्लेलिस्ट हरियाणा, जो प्लेलिस्ट होगी उसमें देख लिया हरियाणा में हवेलियां और मकबरे मैंने आपको ये टॉपिक करवाया दोस्तों, वहां से आप बिल्कुल पूरी जानकारी लीजिएगा। दूसरा सती का तालाब, सती का तालाब, सती के तालाब से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको होटल देगा दोस्तों, पलवल भी आंसर दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन होटल देगा, दूसरा पलवल देगा, या पहला पलवल देगा दूसरा होटल, तो आपको सती आंसर करना है जहां पर रहेगा, सती का तालाब रहेगा हमारा होटल में, सती का तालाब की बात करते बोलते होटल में रहेगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से बहुत बार, सती का तालाब कहां पर स्थित है, होटल में, ठीक है। उसके बाद पुरानी कचहरी, कचहरी हम कोर्ट को बोलते हैं दोस्तों, पुरानी कचहरी ये भी बहुत ही फेमस है दोस्तों, पलवल की प्राचीन गुंबद, प्राचीन गुंबद, प्राचीन गुंबद हमारा रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगला महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ लास्ट जिला हमारा जहां पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से पहला तो क्वेश्चन यही बनता है सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थल और सबसे ज्यादा संग्रहालय वाली जिला दोस्तों, सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थल हो, देखिए वैसे संग्रहालय नगरी का कुरुक्षेत्र को दोस्तों वो एक क्या है लिंग में जूप नाम के हिसाब से क्वेश्चन बनता है, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थल वह संग्रहालय है, सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थल वह संग्रहालय वाला जिला दोस्तों, क्योंकि एचएसएससी दोस्तों किसी का कुछ भी जो ना आंसर अपने हिसाब से ही मानते, किसी का ऑब्जेक्शन वगैरह पर ज्यादा रिएक्शन वगैरह रिएक्ट वगैरह दोस्तों वे नहीं करते, उनको जो आंसर लगता ना जो पहले प्रीवियस ईयर में दिया गया है या जो क्वेश्चंस पहले आए हैं दोस्तों उन्हीं को राइट आंसर मानते हैं। वैसे सबसे ज्यादा संग्रहालय की बात कर रहा हूँ तो सबसे ज्यादा संग्रहालय हमारे कुरुक्षेत्र जिले में पड़ते हैं, इसलिए उसको संग्रहालय नगरी या कुरुक्षेत्र नगरी इसी तरीके से बोलते हैं दोस्तों, धार्मिक नगरी, लेकिन यहाँ पर क्या सुरक्षित इमारत संग्रहालय नगरी इसको हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित इमारत हो सुरक्षित स्थलों का संग्रहालय की नगरी, ठीक है ये हमारा दोस्तों यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले पीर तुर्कमान का मकबरा, पीर तुर्कमान का मकबरा, उसके बाद दूसरा मैं बात करता हूं यहाँ पर चोर गुंबद जो नारनौल में है, यानी चोर की बावड़ी हम इसे बोलते हैं दोस्तों, चोर गुंबद यानी चोर की बावड़ी भी इसे बोलते हैं नारमोड़ में दोस्तों, ये महेंद्रगढ़ गांव का है नारमोड़ में, ठीक है ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, चोर गुंबद नारमोड़ में। उसके बाद अगला है रायन कुंदास का सत्ता या बीरबल का सत्ता, क्योंकि रायन कुंदास जो है दोस्तों बीरबल का ही वास्तविक नाम था, पूछा भी गया है रायन कुंदास का सत्ता, इसी को हम बोल सकते हैं बीरबल का सत्ता, ये बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद रायन कुंदास के सत्ता के बाद दोस्तों त्रिपोलियो गेटवे या शोभा सरोवर, शोभा सरोवर और त्रिपोलियो गेटवे, शोभा सरोवर त्रिपोलियो गेटवे, त्रिपोलियो गेटवे। उसके बाद अगला यहां पर हमारा है मिर्जा, पहले उससे पहले शाह निजाम का मकबरा, देखिए नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को और निजामों का शहर कहते हैं हैदराबाद को, ये नेशनल जीएस, नेशनल जीएस के आधार पर क्वेश्चन पूछते हैं, पूछे जाते हैं एसएससी एग्जाम्स में, यहाँ पर भी पूछा जा सकते हैं, कई एग्जाम्स मैंने देखा है एसएससी एग्जाम में पूछा गया है कि नवाब नगरी कौन सी हमारी, तो लखनऊ निजाम नगरी हमारी हैदराबाद, ठीक है जो हैदराबाद दोस्तों तेलंगाना की राजधानी होगा, शाह निजाम का मकबरा 16वीं सदी में बना दोस्तों, 16वीं सदी निर्माण रहेगा यहाँ पर शाह निजाम के मकबरे का निर्माण रहेगा 16वीं सदी में। मिर्जा निजाम का तकिया बावड़ी, देखिए बावड़ियों का शहर सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से जाता है, बावड़ियों का शहर नारनौल को ही बोलते हैं दोस्तों, यहाँ महेंद्रगढ़ नारनौल हमारा आंसर रहेगा वैसे। उसके बाद अगला हमारा दोस्तों मिर्जा निजाम का तकिया बावड़ी,
मिर्जा निजाम का तख्तिया बावड़ी ये नारमल में। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बावड़ियों का शहर, तो नारमल हमारा आंसर है दोस्तों। बावड़ियों का शहर क्या आंसर रहेगा? नारमल। इसको दोस्तों जो मिर्जा अली तख्तिया का तख्तिया बावड़ी जिसको 1605 में अकबर के समय बनी है दोस्तों, ये 1605 में अकबर के समय, 1605 में अकबर की डेथ हुई थी दोस्तों, आपको पता ही है अकबर के समय निर्माण। मिर्जा अली ज्ञान तख्तिया बावड़ी जो इसको 1605 में अकबर के समय इसका निर्माण हो दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक हरियाणा की कुछ सुरक्षित इमारतें। जैसा कि आपको मैंने आपको बताया ये हमारी कुछ सुरक्षित इमारतें जहां से अच्छे से क्वेश्चंस बहुत बार पूछ के दोस्तों बहुत बार यहां से क्वेश्चंस पूछ लेती है। हालांकि एक इमारत अभी बचती थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको मैं दोस्तों वो सुरक्षित इमारत के नाम नहीं है, लेकिन उसको क्या है सुरक्षित इमारत जो ना हरियाणा सरकार के द्वारा घोषित किया गया है चिल्ली का मकबरा जो थानेसर में है दोस्तों, दारा सिंह के द्वारा बनवाया गया वो इमारत। वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें मैंने शामिल नहीं की है, वो मैं उसके बारे में दोस्तों जो है ना विस्तार से बताऊंगा जिले के द्वारा। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो इसमें अभी शामिल नहीं की है, लेकिन क्वेश्चन बढ़ता है दोस्तों उसका भी यहाँ पर सुरक्षित इमारत का दर्जा उसे दे दिया गया दोस्तों। अभी फिलहाल इस लिस्ट में नहीं आई लेकिन दर्जा उसको हरियाणा सरकार ने दिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें, कैसी आपको वीडियो लगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आने वाले हरियाणा पुलिस के एग्जाम्स में दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और दोस्तों क्या आप सभी को हरियाणा पुलिस के एग्जाम से 2-3 दिन पहले धाराएं वगैरह भी करवा दी जाएंगी, क्योंकि एक या दो धारा आपके